आ गया होंडा हॉर्नेट का शोकर, जो बोलता है सस्पेंशन, इसको फिट करके देखा था। पहले खुला रखा था, खोल दिया था, बहुत सारा रास्ट हो गया था, देख सकते हो कैसे रास्ट हो गया, इसलिए नहीं दिखाया खोलने का तरीका। अब फिट करने का तरीका देखा था, देख सकते हो होंडा हॉर्नेट का गाड़ी है। अब इसको फिट करके देखा था कैसे रहता है। सबसे पहले खुला ले लीजिए, उसके बाद ये डाल दीजिए, उसके बाद पाइप डाल दीजिए, उसके बाद ये वाला बुशिंग रहेगा अंदर, ये इधर फिट कर दीजिए, उसके बाद जो ये घुसा दीजिए ऐसे करके, बुशिंग अंदर रहेगा, उसके बाद जो 6 mm का एलन की है वो लगा लीजिए, ऐसे हो गया था 6 mm का एलन की लग जाएगा। आठ नंबर टी से पूरा फिट पे टाइट करके, पूरा अच्छे से टाइट देने पड़ेगा, नहीं तो जुके होगा। फिट कर लेते हैं इसको, हो गया उसके बाद ये वाला फिट से रहेगा, उसी तरह रहेगा, पूरा फूस जाना नहीं कि इसमें गंदा लग जाएगा तो फिर से होल जल काट जाएगा, उसी तरह भूषण डाल दीजिए, इसके बाद इसमें भी 6 mm का रहेगा, उसमें भी 6 mm का रहेगा। उसके बाद ये आ गया होंडा का व्हील, देख सकते हो MRP है 370 रुपया। सबसे पहले रहेगा ये वाला बुशिंग, उसके बाद रहेगा ये वाला वाशर, फिर कूलर से भर देना, जो मेरे पास कूलर भी है, ये मेरे पास कूलर है, आपने से घुटाएगा तो थोड़ा इस पर दबा देना चाहिए, पूरा क्लिक हो गया, देख सकते हो गलेगा अंदर तरह तो हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑयल से डाल देना है, होंडा का इसमें बहुत कुछ दे देता है, होंडा का जैसे कि दूसरा कंपनी का नहीं देता है, ये ऑयल से जो टिप वाला है उसको अंदर आएगा, जो थोड़ा डीप है वो बाहर, ऐसे दीजिए, उसके बाद कूलर रहेगा लॉक, एक तो उसमें ग्रुप बना हुआ है, उसमें खाली लॉक फिट हो जाएगा, आसमान से फिट हो जाता है, उसको अच्छा से देख लीजिएगा, नहीं तो जब सर्विंग करेगा और निकल जाएगा, इसीलिए पता है दोनों सेम लग जाएगा, ये भी डाली से नया है, पुराना बड़ा हुआ रख दिया,